उज्जैन के दौलतगंज व्यापारी ने हनुमान मंदिर और भैरव मंदिर को तोड़ा था, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दौलतगंज में व्यापारी ने हनुमान और भैरव मंदिर तोड़ दिया। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस और हिंदू संगठन सक्रिय हो गए हैं। शिकायत के बाद पुलिस ने व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। दौलतगंज से तोपखाना जाने वाले मार्गों पर सालों पुराना हनुमान और पीपली भैरव का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर को दुकान के सामने से हटाने के उद्देश्य से व्यापारी कमलेश जैन ने मंदिर को तोड़ दिया। मंदिर तोड़ने की सूचना मिलते ही आसपास के व्यापारियों ने विरोध जताया। घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन भी सक्रिय हो गया है। महाकाल टीआई अरविंद सिंह तोमर ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी की शिकायत पर महाकाल पुलिस ने कमलेश जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि वह इस मंदिर का जीर्णोद्धार करना चाहता था। मेरी भावना ये थी कि मुझे इस मंदिर का अच्छा निर्माण कराना है। चूंकि मेरी दुकान के सामने है, थोड़ा सा जर्जर अवस्था में था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस मंदिर को थोड़ा सा अच्छा करवा दूं, इसको सुंदरता बना दूं, इसकी इसमें टाइल्सें लगवा दूं, ये लगवा दूं। पर चूंकि कुछ थोड़ा सा लोगों को वो नहीं है, बिना किसी राय के मैंने कर लिया। अब वो गलती तो चूंकि हो चुकी है, पर उसको गलतियों को मैंने सबको सामूहिक रूप से लेकर और उस चीज को मैंने सुधार कर लिया है। अब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यापारी साथ है मेरे, मैंने सबको साथ और जानवी गुरु के सानिध्य में वो मंदिर का निर्माण वापस शुरू हो रहा है जल्द ही। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और जो भी राशि स्वीकृत की गई है मेरे द्वारा, इन्होंने बता दिए कि मैं आपको इतनी राशि देना है, तो मैं राशि बिल्कुल इनको दे दूंगा और मंदिर निर्माण स्वतः चालू हो जाएगा जल्द से जल्द। इसमें कोई ऐसी भावना नहीं है मेरी, मैंने 51,000 रुपए देने का ऐलान किया है मंदिर के प्रति। इस मामले में दौलतगंज के व्यापारी संगठन की बैठक में कथावाचक जानी गुरु के नेतृत्व में हुई, जिसमें मंदिर का पुनर्निर्माण भव्य तरीके से करने का निर्णय लिया गया। चूंकि परसों के दिन दौलतगंज के ही एक व्यापारी हैं, उन्होंने इस मंदिर का कोई कार्य करने के लिए मंदिर पर निर्माण का कार्य खोल दिया था। लेकिन चूंकि किसी भी मंदिर के व्यक्ति या दौलतगंज व्यापारी एसोसिएशन से इस विषय में कोई चर्चा नहीं हो पाई थी, तो इस कारण सभी का आक्रोश था। तो पर उसके बाद कल रात्रि में बैठक हुई गई और बैठक में फिर ये निर्णय लिया गया है कि चूंकि मंदिर टूट गया है तो इसको वापस से निर्माण कराया जाए। तो अब एक आध दिन में इसकी डिज़ाइन बनाकर पुनः मंदिर का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा। हाँ, इसमें मंदिर के ही सामने एक व्यापारी हैं, उनके द्वारा ये मंदिर का कार्य खोला गया था और चूंकि रात्रि में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इसमें कायमी कराई गई है।